इनके पठ्ठों का मसला है और बहुत इलाज करवाया रूहानी भी और डॉक्टर से भी अच्छा। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा अच्छा अल्लाह पाक से शिफा दे एक तो ना वो सुबह सुबह जब फजर से पहले थोड़ी सी जाग खुलती है ना यानी कि आदमी तीन चार घंटे सोया हो तो उसका पहला थूक जिसको बेई थूक बोलते हैं ना ये सब के लिए किसी भी आंखों के मर्ज के लिए किसी भी आंखों के मर्ज के लिए इल्ला के अगर कोई मोतिया वगैरह भी आए अपनी थूक सुबह उठ के अपनी आंखों में डाले एक दो कतरे और पांच दस मिनट और पंद्रह मिनट लेटा रहे तो अल्लाह के फल से उसकी ये बीमारी ठीक हो जाएगी दस मैं चाह रही थी कि हम उधर पिंडी आपके पास हाँ उनको लाइव देखते हैं ये तो मैंने इलाज बता दिया ना और ये बहुत बहुत कीमती बात है ये मैं बता रहा हूँ बाद में अलाइनमेंट होती है टीढ़ियां होंगी ना जो करके देखनी है हैं जी उनके लिए भी ये इलाज है वो सुबह अपनी आंखों में अपना थूक डालें अपना ही थूक के किसी ने ताना देना है कि चल नहीं अखाई थूका पानी पाई है <laughs> ऐसा होता है ना तो ये करें अल्लाह के फजल से एक दुआ है ना उसकी सूरा काफ की है ये मेरा ख्याल 22 नंबर या बीस नंबर है डॉक्टर साहब ये भी कर चुके हैं फका शफना का ताका फबसुर कल यौमा है ना ये की है। ये भी एक बार द्रुषि पढ़े द्रुदेव इब्राहिमी एक बार ये दुआ एक बार ये सात बार पढ़ के ऐसे करके लगाए देखो यानी के कुरान भी और दूसरा दुआ भी और दवा भी